हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आधार क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं लास्ट ईयर में आए हुए सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो आप लोगों के लिए आने वाली परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है, UP SSC में वैकेंसी बहुत सारी आ रही है, जैसे पटवारी की है, BDO की है, ठीक है, ट्यूबवेल ऑपरेटर, इस तरीके की वैकेंसी आ रही है, और UPSI में सब इंस्पेक्टर की भर्ती आ रही है, और अदर कॉम्पिटिशन्स के लिए भी यह बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, और अदर स्टेट के लिए भी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, शुद्ध बर्तनी वाला शब्द है, वो आंसर देना है आपको। तो शुद्ध बर्तनी देखो, तो आपका जो है सुषुप्ति, ठीक, मात्रा आपको याद रखना है, दोनों पे छोटी की ही चढ़ेगी, ठीक, लेकिन याद रखना है शुरू वाला तो है आधा, वो छोटा शय, और दूसरा जो है वो आपका पैटचिरा शय है, ये आपको याद रखना है। अगला, शुद्ध बर्तनी छाटिए, इसमें आपको शुद्ध बर्तनी बतानी है, तो आपका जो आंसर है वह है ज्योतिषिना, ठीक, ये आपका, देखो आपको ये याद रखना है, देखो ज्योति ज्योति जो लिखा जाता है इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो है आपके दो वर्ड नजर आ रहे हैं ज्यो से, कौन से, एक तो आपको यो और एक ये, ठीक है। अब आपको क्या याद रखना है, ये आपका ये गलत हो गया, ये जो था ये पूरा सही था, ठीक है, यहाँ पे, ठीक। अब ज्योतिषना, ठीक, जो आधा शय आएगा ना कि पूरा शय, तो आपका जो है आंसर वह बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शुद्ध शब्द क्या है, तो शुद्ध शब्द जो है वह संपूर्ण है, कौन सा, संपूर्ण, क्यों, क्योंकि हम संपूर्ण की अगर हम संधि तोड़ते हैं तो वह सम प्लस पूर्ण होता है, सम प्लस पूर्ण होता है, जो अंकी बिंदी होती है वो आधा मैं वे कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए आपका सी आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन, दयानंद में प्रयुक्त संधि है, तो दयानंद, दयानंद देखो, दया नंद, तो दया प्लस आनंद, दया प्लस आनंद, तो यहाँ पे जो है आ आ जुड़ रहा है, ये क्या है, आ आ आ प्लस आ बराबर होता है आ, तो आ जो है वह दीर्घ संधि का उदाहरण है, किसका, दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपीस में प्रयुक्त संधि बतानी है आपको, कपीस, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, कपि प्लस ईश, ठीक, तो मात्रा जो है ई और ई की जुड़ रही है, और ये जो होता है ये बड़ी ई, ठीक, ये जो है बड़ी ई, ये भी आपका दीर्घ संधि में जाता है, दीर्घ संधि में आपको क्या याद रखने हैं, आ बड़ी ई और बड़ा ऊ और एक रीरी, ये इसकी पहचान है दीर्घ संधि में, दीर्घ से ही पता चल रहा है, दीर्घ माने बड़ा और बड़े ही शब्द आएंगे इसमें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदैव में प्रयुक्त संधि बतानी है आपको, सदैव, तो सदा प्लस एव, टूटेगा ऐसे, तो इसमें क्या आ रहा, आ प्लस ए, ठीक, आ प्लस ए आ रहा, सदा प्लस एव, ठीक, लेकिन यहाँ पे सॉरी, ये जो है ये आपकी दो मात्रा हो गई, आपकी कितनी, दो मात्रा, और याद रखना दो मात्रा जो है वो आपकी किस में जाती है, वो वृद्धि संधि में जाती है, किस में, वृद्धि संधि में जाती है, और वृद्धि संधि जो है वो किसका टाइप है भाई, वो स्वर संधि का टाइप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन्मति का सही उदाहरण देखो, सन्मति, सन्मति का मतलब होता है सत प्लस मति, इसमें जो है जो आधा न है वह आधा तय में कन्वर्ट हो जाता है, ये व्यंजन संधि है, कौन सी, व्यंजन संधि है, और ये बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, इत्यादि का संधि विच्छेद कौन सा होगा, तो इत्यादि का संधि विच्छेद होगा दूसरा, इति प्लस आदि, अब ये जो है ये आपकी यण संधि है, कौन सी, यण संधि, यण संधि की पहचान क्या है, यण संधि की पहचान ये है आधा वर्ण आना चाहिए, आधा वर्ण प्लस, ठीक, और उसके साथ में यह या फिर बै, आधे वर्ण के साथ में यह या अगर बै है तो वो आपका यण संधि यूज कहलाया जाएगा, कौन सा, यण संधि में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण है, वृद्धि संधि का, वृद्धि, वृद्धि का मतलब होता है जिसमें क्या है दो मात्रा होती है, किसमें, दो मात्रा, इसमें जो है आपसे देखो यहाँ पे जो है ये रह गया था, नहीं, इसने पूछा है कि वृद्धि संधि का कौन सा उदाहरण नहीं है, तो ये जो है परमोदारी, इस पे दो मात्रा लगी हुई है यहाँ पे, ये याद रखना है,
कितनी, दो मात्रा। तो आपको मैंने बताया था वृद्धि संधि जो है जिसमें आपकी दो मात्रा लगी हुई होती है वो वृद्धि संधि का ही एग्जाम्पल होता है। देखो सदैव में लगी है, परमोदार्य में और जलौज में, ग्रुप देश में नहीं लगी हुई। तो आपका जो है इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक बात और बच्चों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपको रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा, तो प्लीज़ आप जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो वो आप तक पहुंच जाए। और एक बात और, बेल आइकन जरूर दबाना ताकि इससे नेक्स्ट वीडियो वो आप तक पहुंच जाए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दीर्घ संधि का युक्त बताना है आपको, पद कौन सा है। तो कौन सा ये आपको पता है, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में क्या आता है, आ आना चाहिए, कौन सा आ, और ये आपका आ ही रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन स्वर संधि है, सुवर। ठीक है, तो देखो सन योग, सम प्लस योग, ये कौन सी है, व्यंजन संधि। नमस्कार, नम प्लस कार, ये कौन सी है, ये विसर्ग संधि। ठीक है, अगला कौन सा, मनोहर, ये भी मन प्लस हर, ये आपका विसर्ग संधि। तो आपका बचा कौन सा, पवन, पवन को अगर हम तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा आपका पो प्लस अन। ठीक, ये हो जाएगा आपका पो प्लस अन, पवन। तो देखो इसमें जो है ये आपका जो है ये आपकी अयादि संधि है, कौन सी, ए या दी, अयादि संधि। और अयादि संधि जो है वो स्वर संधि का टाइप है, किसका, स्वर संधि का पांचवा टाइप। अगला क्वेश्चन, पवन का संधि विच्छेद बताना है आपको, पवन। देखो अभी मैंने क्या बताया, पो प्लस अन, पवन संधि का विच्छेद। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से किस में व्यंजन संधि है आपको बताना है, व्यंजन संधि। तो देखो सप्त प्लस ऋषि, ये कौन सा हो जाएगा आपका, ये आपका स्वर संधि हो जाएगा, कौन सा, स्वर संधि। हिमालय, हिम प्लस आलय, ये भी आपका स्वर संधि हो जाएगा। निराधार, नि प्लस आधार, ये आपका विसर्ग संधि हो जाएगा। तो बचा कौन सा, सत प्लस कार, ये आपका व्यंजन संधि में जाएगा, किसमें, व्यंजन संधि में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि जो है वह अत प्लस एव, ये जो हो जाएगा वह अत प्लस एव, इस तरीके की संधि होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो सदैव ये जो है दो मात्रा लग रही तो आपकी वृद्धि संधि हो गई। सत प्लस जन, ये आपकी कौन सी हो गई, ये व्यंजन संधि हो गई, कौन सी, व्यंजन संधि। नरेंद्र, नरेंद्र जो है वो आपकी स्वर संधि होती है, कौन सी, स्वर संधि। अगला क्वेश्चन, उत प्लस हार का योग बताना है आपको। तो उत प्लस हार, तो ये हो जाएगा आपका उद्धार, क्यों, क्योंकि जो आधा तय है यहाँ पे वह दय और है में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन जो इसके टूटने पे है की आवाज़ में ये कन्वर्ट होता है, ये याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण का संधि विच्छेद बताना है, पर्यावरण, तो ये हो जाएगा आपका परि प्लस आवरण। ठीक, परि प्लस आवरण। देखो इसमें छोटी ई और बड़ी, बड़ा आ, ये दिखाई दे रहा है आपको, और ये जो है आपका, ठीक है, ये किसमें आव आ रहा है, इसमें क्या है, आव। तो ये जो है ये आपका अयादि संधि है, कौन सी, अयादि संधि। और अयादि संधि जो है वो किसका टाइप है भाई, वो स्वर संधि का टाइप है। तो ये जो है परि प्लस आवरण, ये क्या हो जाएगा, पर्यावरण का संधि विच्छेद है, और ये क्या है, ये स्वर संधि है, और स्वर संधि का कौन सा है भाई, ये अयादि संधि है। ठीक है, पांचवा टाइप। अगला क्वेश्चन, अनुनासिक का संबंध होता है, तो अनुनासिक का जो संबंध होता है वो नाक और मुंह से बोले जाते हैं, किससे, नाक और मुंह से। ये कौन से होते हैं, जो वर्ग के पंचवा अक्षर होते हैं ना, ये वाले, अने, 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 ने और में, ये जो होते हैं ये अनुनासिक व्यंजन कहलाए जाते हैं। ठीक है, जो नाक और मुंह में बोले जाते हैं। अब अनुनासिक व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन को वर्ग के पंचवा अक्षर बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, क्योंकि जैसे हमारा शुरू का क, ख, ग, घ, अने, ये हो गया क, ख, ग, घ, अने। ठीक, इसके बाद में च, छ, ज, झ और अने। ठीक, ये जो है ये देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये जो है अनुनासिक व्यंजन, ये पांचवी लाइन में आती हैं, वर्ग के पंचमा अक्षर बोला जाता है इसलिए इनको। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या होती है वह 11 होती है। ठीक, इसमें जो होती है एक तो ये और एक ये जो होते हैं ये अयोग बाह शब्द होते हैं, इसलिए इनको काउंटिंग नहीं की जाती।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पहले कभी नहीं हुआ हो तो उसे बोलते हैं भाई अभूतपूर्व बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं? अभूतपूर्व। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि दूसरे बच्चों का भी फ़ायदा हो जाए। और एक बात और बच्चों, अगर आपको हमारी YouTube चैनल पे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको PDF या वर्ड की फाइल आपको प्रोवाइड करा दी गई है, उसको डाउनलोड जरूर कर लेना, ठीक है? अपने आंसर कमेंट बॉक्स में देना हमें, और टॉपिक वाइज वीडियो जो है आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लेना, ठीक है? आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी वहाँ पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।